बॉलीवुड में सेम कहानियाँ और रीमेक पे रीमेक देख देख कर लोग बोर हो चुके हैं और साउथ फिल्मों की ओर बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन इस बार आलिया भट्ट लेकर आ रही हैं कुछ अलग ऐसी कहानी जो आपके दिमाग के साथ खेल जाएगी। आलिया भट्ट की शादी के बाद ये उनकी पहली फिल्म होगी जो रिलीज होने को तैयार है। बचपन में आप सब ने मेंढक और बिच्छू की कहानी तो जरूर सुनी होगी, जिसमें मेंढक बिच्छू को अपनी गर्दन पर बिठाकर नदी पार कराता है और आखिर में बिच्छू मेंढक को ही डंक मार देता है। कुछ इसी कहानी के साथ 5 जुलाई को इस फिल्म का टीजर रिलीज हो चुका है। इस फिल्म का टीजर आपको ये सोचने पर मजबूर कर देगी कि आखिर इस फिल्म में कौन मेंढक है और कौन बिच्छू, कौन मासूम है और कौन चालाक, कौन विक्टिम और कौन विलेन। फिल्म में आलिया भट्ट मुख्य भूमिका में दिखाई दे रही हैं। फिल्म में विजय वर्मा, रोशन मथेयू और शिफाली शाह ने अहम भूमिका निभाई है। इतनी टैलेंटेड स्टार कास्ट, वो भी एक फिल्म में, ये ऑडियंस के लिए किसी ट्रीट से कम नहीं होगा। फिल्म के टीजर के साथ ऑडियंस में भी पॉजिटिव रिस्पॉन्स देखा जा रहा है, दर्शक इसे मास्टरपीस तक कह रहे हैं। अब ये देखना दिलचस्प होगा कि फिल्म दर्शकों की उम्मीदों पे खड़ा उतर पाती है कि नहीं। इस फिल्म को शाहरुख खान, गौरी खान और आलिया भट्ट ने मिलकर प्रोड्यूस करा है। फिल्म 5 अगस्त को नेटफ्लिक्स पर रिलीज होगी।